मैंने आप लोग को बहुत सारा BMST दिखाया होगा, अभी देखो MBST मतलब नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नो चूरा का पुल। ये अभी यार इधर गाड़ी आता है उधर देखे, तो यहाँ पे हम रिफिलिंग करा रहे हैं अभी प्रीमियम, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पे मैंने लगाया 660 रुपये का और मिला मुझे 5 लीटर 75%। चलो अभी कार्ड पेमेंट करते हैं यार। और यहाँ पे इनका प्राइस है 14 रुपया, 1 पैसा कम। लो कार्ड, प्राइस पड़ा 14 रुपये करके, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं था, मुझे एक प्रीमियम 14 रुपये करके पड़ा, एक्स्ट्रा नहीं था, मतलब नॉर्मल जो था वो नॉर्मल नहीं था, एक्स्ट्रा प्रीमियम जो होता है वो डालना पड़ा। बोलता है कि लोग वहाँ से एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा माइलेज मिलता है, आई डोंट नो मिलता है कि नहीं। चलो भाई निकल लेते हैं। और यहाँ पे पुलिस चौकी है, नीमती पुलिस पोस्ट, ये नीमती का पुलिस पोस्ट है। और अभी मैं राइड कर रहा हूँ NH31 जो गुवाहाटी हिट करता है सीधा, और ये सिलीगुड़ी से लेकर के ये NH31 गुवाहाटी यही रोड कनेक्ट करता है, और सिर्फ यही एकमात्र रोड है NH31। बट अभी इनको डाइवर्सिटी किया गया है, इनको शायद यहाँ से 30 किलोमीटर आगे या फिर 35-40 किलोमीटर आगे, 30 किलोमीटर ही कहूँगा मैं, 35 नहीं कहूँगा, वहाँ से डाइवर्सिटी करके अलग और ले गया जा रहा है कुछ भी और क्यों। सो अभी यहाँ से जंगल स्टार्टिंग हो जाता है। और अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ ये अलीपुर द्वार के अंडर में मैं राइड कर रहा हूँ, और अलीपुर द्वार में लगभग आपको 90% फॉरेस्ट ही मिलेगा। और जस्ट मैं आपको आज ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं कहूँगा कि आपको भूटान, तो भूटान का गाड़ी चल रहा है देखो, भूटान नंबर BP, तो भूटान BP का मतलब होता है भूटान पब्लिक, और भूटान गवर्नमेंट होता है एक अलग सा, भूटान रॉयल या फिर भूटान गवर्नमेंट नंबर होता है, तो ये सभी भूटान पब्लिक है। और इन लोग का नंबर रेड में रहता है, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है भूटान, लगभग 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर का रेड करेंगे तो हम भूटान पहुँच जाएंगे आराम से। बट मैं आज भूटान की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं आज दूसरे ओर जा रहा हूँ, मैं आसाम की ओर जा रहा हूँ, मतलब गुवाहाटी की ओर में यहाँ पर जाना है, थोड़ा सा काम है वहाँ पर, किस लिए जा रहा हूँ मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। बट ये व्यूज़ इंजॉय कीजिए, ये जो ग्रीनरी है यहाँ पर राइट पर, अगर मैं राइट का बात करूँ तो राइट में आपको मिल जाता है टी गार्डन, और लेफ्ट में मिल जाता है जंगल। जंगल जो है ये बॉक्सर डुअर्स है, यहाँ पे बॉक्सर डुअर या फिर टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, बॉक्सर डुअर्स फॉरेस्ट ये वाला, और यहाँ पे कभी कभार टाइगर भी आ जाता है। और ये रोड लगभग सुनसान रहता है क्योंकि ये बहुत ही जंगल पड़ता है, और ठंड के समय में तो लगभग शाम में या फिर ठंड के समय में विंटर सीजन में ये बीच बीच में यहाँ पे एलिफेंट आ जाता है। देखो नीमती जोड़ा टी स्टेड है यहाँ पे ये वाला, और देखो भूटान का गाड़ी जाते हुए। तो यहाँ पे गमे जैसे कि आपको बताया काफ़ी ग्रीनरी है, और यहाँ पे चलाते समय आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि रास्ता जो यहाँ पे फोरलैंड नहीं है, यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर में जाकर के आपको फोरलैंड मिलेगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से फोरलैंड स्टार्टिंग होता है। यहाँ पे रिस्की हो जाता है गाड़ी देखो ड्राइव करने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे ओवरटेकिंग वगैरह मत करना क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, मैंने सुना भी है या फिर खुद का आँखों में भी देखा है, शायद आपने देखा होगा नीमती मोड़ का नाम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और ये जो भूटान का गाड़ी है ना, ये लोग खुद का वहाँ पे बहुत स्लो चलाता है, बट इंडिया में जब ये आता है ना तो फाड़ के चलाता है वो, देखो दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि भूटान बहुत छोटा रास्ता है ना, साइड देने के लिए भी बहुत ही तकलीफ होता है। और आपको पता है भूटान व्यूज देख लो, मैं बोला ना आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ट्रक दौड़ता है लोड़ी, ये देखो लोड़ी देखा, कभी भयंकर लोड़ी है ये सब, तो ये सब तो बच के यार गोट ना करे ऐसा हो, बट इनका आगे अगर चला गया ना कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए कहता हूँ यार सावधानी से गाड़ी चलाना, यहाँ पे कोई ओवर स्पीडिंग ओवर राइडिंग मत करना, कोई भी आओ कोई भी राइडर आओ, क्योंकि सिटी में छोटा छोटा गाड़ी रहता है, छोटा छोटा कार वगैरह रहता है, आप वहाँ पर ओवर राइडिंग ओवर स्पीडिंग कर सकते हो, बट इनका आगे कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, ये आपस में टकराता है तो हालत ख़राब हो जाता है। तो सोच लो ये बाइक अगर टकराएगा तो क्या होगा, देखा अगर एक, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि होगा ये रास्ता रात में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, विंटर सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो एरिया है ना यहाँ पे बहुत एलिफेंट जोन है, यहाँ पे कभी कभार रास्ता के बीच में एलिफेंट ब्लॉक कर देता है, आपने वीडियो देखा होगा, ये रास्ता है NH31 पे, तो यहीं पे पूरा ब्लॉक करके रुका रहता है ये लोग कभी कभार, तो दोनों तरफ का इस तरफ की गाड़ी इस तरफ की गाड़ी बीच में अटक जाता है और बीच में रहता है हाथी। अभी मैं एक क्रॉस करूँगा डीमा नदी, ये जो नदी का नाम है ये डीमा रिवर है, काफ़ी खूबसूरत सा नदी है फॉरेस्ट का बीचों बीच,
मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाने वाला था। ये है दिमा नदी, मैं भी दिखाऊंगा ऐसे थोड़ा देर। यहाँ से भी उसके साथ है, पैदल आ जाता हूँ मैं, आगे से आ सकता हूँ, बट यहाँ से नहीं, आगे से आऊँगा। पहले गाड़ी में साइड में खड़ा करूँगा और उनके बाद में पैदल। और ये नदी का व्यूज़ लेने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं साइड से जा रहा हूँ और बाइक मैंने पीछे खड़ा कर दिया। बट बाय द वे, ये जंगल में ऐसा मत खड़ा करना ना, कैसे करके ड्राइव कर रहा है ये लोग, तो बहुत रिस्की यार, बहुत छोटा रास्ता है, तो मैं कहूँगा सावधानी से चलो यहाँ पर। ये तो हिल रहा है यार, यहाँ से बहुत रिस्की लगता है, टूट ना जाए। और ये यहाँ का नज़ारा देख लो, मुझे तो काफ़ी खूब लगा, अच्छा भी है, बट हिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है ब्रिज शायद टूट ना जाए। और यहाँ से और भी अच्छा है, जब भी गाड़ी क्रॉसिंग चल रहा है ना तभी ये ब्रिज जंपिंग कर रहा है, और इसे जंपिंग करने से मुझे बहुत रिस्की लगता है यार। तो ये रहा नदी का लुक्स, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है और दोनों तरफ में पूरे जंगल है। ये साउथ जोन था और पहले का नॉर्थ जोन, तो यहाँ से ये व्यू देख लो चले। अरे यार देखो, अभी तो पूरा अंधेरा हो गया पता है, जैसे मैंने गौरम बस्ती पार किया, अलीपुर द्वार क्रॉस किया, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो क्या करूँ, गोप्रो ने धोखा दे दिया, बीच बीच में साला काम ही नहीं करता है। अभी यार गंदा आ गया, चलो एक दो बात को माफ़ कर, मुझे लगता है कि अभी बारिश होगा, क्या होगा बापू। मैं बोला था कि रेनकोट मुझे चाहिए, मैं ढूंढ रहा था घर में, तो सोचा अरे यार, तो ये हरकत होता है यहाँ पर, तो संभाल के यार, बार बार कहता हूँ, बोंगाईगांव बंगाला में लिखा हुआ है, मतलब बंगाली में लिखा हुआ है सर। माजी डबरी टी स्टेट है, अलीपुर द्वार का बिल्कुल सामने टी स्टेट, और ये देखो टी स्टेट, इसे माजी डबरी जानी जाता है। तो हम अभी इस वक्त माजी डबरी में हैं, माजी डबरी बस्ती या फिर चाय बागान को हो, बट मैं तो कहूँगा चाय बागान तो छोटा सा है, इनका गाँव एरिया बड़ा है, विलेज एरिया राइट में लेफ्ट में पड़ता है। चल रहे भाई, मुझे तो डर लग गया था, काला चश्मा। देखो यहाँ पे ढेर सारा साइकिल खड़ा हुआ है, और ये साइकिल क्यों खड़ा हुआ पता है, वो अंदर में हार्वेस्टिंग चल रहा है इसीलिए। यहाँ पे भी देखो हार्वेस्ट चल रहा है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ एक सिक्का जोड़ा बोल के एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बाउंड्री करके रखा हुआ है, शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, और थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो शायद यहाँ पे कुछ तो बनेगा। बहुत सारा एरिया को यहाँ पे बहुत बड़ा वाल देकर रखा हुआ है अलीपुर द्वार को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि अलीपुर द्वार तो बहुत छोटा हो गया, अगर डेवलपमेंट होगा तो ये साइट अगर डेवलपमेंट होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। अभी देख सकती हो सामुकतोला पीएस हम घुस चुके हैं, वेलकम टू सामुकतोला पीएस, ठीक है। माजी डबरी यहीं पर ख़त्म हो गया, अभी हम घुस चुके हैं सामुकतोला बस। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी बारिश हो रहा है, शायद मैं आगे ना जा पाऊँ, बट इतना घंटा बारिश हो रहा है, मुझे यहीं पे शायद रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रेनकोट नहीं है। मैं थोड़ा देर देखता हूँ यहाँ पे, वेट करता हूँ क्या होता है, ठीक है। इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, और मैंने रेन कवर भी नहीं लाया, और लाने से भी शायद मैं राइडिंग नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा तो अभी शू है ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे एक जगह पे रुका हूँ, जो माजी डबरी का साइड में रुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मैं यहाँ पर रुका हूँ, इनका सामने एक स्कूल पढ़ता है, स्कूल का नाम आपका पड़ता है सेंट जेवियर्स, बहुत अच्छा स्कूल है, और इनके सामने भी आपको टूरिस्ट पॉइंट मिल जाता है, अगर आप देखना चाहते हो सिक्का जोड़ा घूम सकते हो। यहाँ पे देखो सेंट जेवियर्स का बस स्कूल बस खड़ा है, यहाँ से सेंट जेवियर्स का एंट्री होता है, आज पुलिस को भी तैनात किया गया है, और अभी तक बारिश हो ही रहा है यार। बारिश में अटक के फिर से चल पड़ा मैं, बट अभी तो ग्लास भी पूरा बारिश से भीग के ना कैसे कैसा हो चुका है, क्या करूं। और फिर से बारिश तेज़ होने लगा यार, अभी बारिश आने के साथ साथ में ठंड भी बढ़ गया है यहाँ पे, मुझे थोड़ा ठंडक महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और सीध एक राउंड नेक में टी शर्ट पहना हुआ हूँ, यही गलती था मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था जब मैं निकला था, तो बहुत गर्मी लग रहा था, तो अभी यहाँ पे आते आते ये मौसम मतलब फटक से चेंज हो गया, पता नहीं चला यार, इस तरह बारिश ही नहीं है, सिर्फ आधा बारिश हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं तो डर गया था कि इस तरफ भी बारिश होगा, बट इस तरफ रोड भीगा हुआ ही नहीं है, थैंक गॉड। हम इजीली अभी क्रॉसिंग कर सकते हैं और हीट कर सकते हैं बहुत ही जल्द, कोशिश करूँगा कि मैं कभी रफ्तार में चलूँ, बट 80 का ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, या आराम से चलेंगे यार, बहुत रिस्की हो जाता है।
अभी नेशनल हाईवे में ये सब चलना थोड़ा रिस्की होता है, बट क्या करें, चलता है। आपने गौर किया, कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक पेट्रोल पंप था जहाँ से मैं पेट्रोल लिया था, और उनके बाद में यहाँ पे पेट्रोल पंप मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नियमती मिस करते हो तो आपको ये नेशनल हाईवे पे 15 किलोमीटर दूरी पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा। अगर कोई मुझे कहेगा ना उधर में बारिश हो रहा है तो विश्वास नहीं करेगा, तो मैं दिखा सकता हूँ। देखो मेरे पास में ये बारिश का बूंदे अभी तक है मेरे बाइक पे। अरे यार देखो, यहाँ पे रास्ता दो तरफ क्यों किया गया मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये अलीपुर द्वार सिटी को घुसेगा और ये सीधा जाएगा गुवाहाटी, तो मैं सीधा जाने वाला हूँ। और ये गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ा था पता नहीं यार, ये सब गाड़ी यहाँ का नहीं है यार, तमिलनाडु का है, TN। ओके, अलीपुर द्वार का घुसने वाला रोड में क्रॉस कर चुका हूँ, और मेरा बाइक का ये जो है पानी, यहाँ पे पानी अटक चुका है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, गुवाहाटी सीधा है, सामुक्तला इधर है, सिलीगुड़ी यहाँ से उल्टा जाना है 179 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से छोटा रास्ता से दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर मैं यहाँ से जाऊँ ना तो जयंती मिलता है, जयंती फॉरेस्ट आपने नाम सुना होगा, एक टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है, जो भूटान पहुँच जाता है यहाँ से। अभी सोचोगे कि ये यहाँ पे मिट्टी क्यों जमा है यार, देखो ये जो मिट्टी जमा है ना, ये इसलिए जमा है क्योंकि यहाँ पे फोरलैंड बन रहा है। फोरलैंड जो है, मैं आपको बता दूँ, फोरलैंड यहाँ तक बना ही नहीं है, फोरलैंड यहाँ से 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर आगे से बना है, और यहाँ से बना ही नहीं था, मतलब अलीपुर द्वार से लेकर के सिलीगुड़ी तक बना ही नहीं था, यहाँ से लेकर के इनमें कन्फ्यूजन था कि कहाँ से बनाएगा, जो रोड में मैं आया N31 में वहाँ पे बनाएगा, या फिर जो मैं बाईपास का नाम बताया वहाँ से बनाएगा। तो यहाँ पे देखो जो बाकी काम था, यहाँ पे बनना शुरू हो गया है, यहाँ पे शायद ब्रिज का काम, कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। और यहीं से थोड़ा दूर 100 मीटर आगे, 200 मीटर आगे NH31 जो पोलैंड है, यहाँ से है, देखो यहाँ से स्टार्टिंग था, अभी यहीं से काम पकड़ा है। बस यहाँ से नहीं था ये, इनको नया बनाया गया है, वो जो आगे आपको बोर्ड दिखेगा यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, इंडियन ऑयल जहाँ से वहाँ से बन रहा था फोरलैंड, मतलब वहीं से बना था पहले। क्या कर रहा है गाड़ी, साइड में होकर के इंडिकेटर देना चाहिए ना, बात करके गाड़ी चला रहा है। गुवाहाटी यहाँ से नलबड़ी, गुवाहाटी 192, बोएगांव 106 किलोमीटर। तो यहाँ पे यहीं से बना था ये रोड फोरलैंड, और उनके बाद में वहाँ पे टू लैंड या फिर कौन था सिंगल वाला, वही था। मैंने आप लोगों को बहुत सारा BMST दिखाया होगा, अभी देखो MBST मतलब नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये माथाभंगा कुचबिहार बारोविशा तक जाता है। मतलब बस क्या है, लड़की है ना लड़का है पता नहीं, जाती है, आई थिंक बस लड़की है शायद, होगा आ रही है शायद, हाँ। तो चलो यहाँ से पटक से वो टोटो घुसा दिया, अगर यहाँ से पिकअप में पार करता तो क्या होता उसका, सीधा में जाके हीट करता, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आगे लिखा हुआ है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। आप लोगों को एक मज़ा दिखाता हूँ, सिर्फ आप लोग राइट में देखो या लेफ्ट में मत देखो, फुल का मज़ा आ रहा है ना अभी, देख ये लो। और आप लोग को मैं बता दूँ, नॉर्थ बंगाल जो पड़ता है ना, ये पूरा आसाम तक पड़ता है, आसाम बॉर्डर तक और भूटान बॉर्डर तक पड़ता है और बांग्लादेश बॉर्डर तक पड़ता है, ये तीनों बॉर्डर को लेकर के। मैं फिर से बता दूँ, नॉर्थ बंगाल जो पड़ता है तीनों नहीं, नेपाल, भूटान, आसाम, बांग्लादेश, ये चार बॉर्डर को लेकर के ये बनता है नॉर्थ बंगाल। और नेपाल भी तो है, सॉरी बिहार भी तो है ही, बिहार को लेकर के भी पड़ता है। बट एनीवे, अभी भी मैं हूँ नॉर्थ बंगाल का नॉर्थ साइड में, जो आसाम बॉर्डर, यहाँ से मैं अगर जाऊँ, यहाँ से 10 किलोमीटर कर जाऊँगा तो 10 से ज़्यादा होगा, लगभग सोच लो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो मैं आसाम पहुँच जाऊँगा, तो मैं आज आसाम नहीं घुसूँगा, बट उनका आगे तक मैं ज़रूर हिट करूँगा, ठीक है। तो देखते रहो, मजे करते रहो, अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब, वो बोल के गया कि जरूर वो सब्सक्राइब करेगा, तो थैंक यू भाई अगर देख रहे हो मेरा वीडियो, या फिर इन फ्यूचर में देखोगे तो थैंक यू सो मच मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हो सके तो दोस्तों को बोलो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे, ओके, और शेयर करें, और कमेंट करो कि मैं कैसा वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए, कैसा कंटेंट लेकर आऊँ, ठीक है। और मुझे डाउट लग रहा है कि शायद वो दो भाई जा रहा है, शायद वो लोग है, वो लोग ही था या फिर कौन था, मुझे डाउट लग रहा है शायद वो लोग नहीं था, फुलपेंट में था ये लोग, अपार्टमेंट में, क्या नदी था ये, छोटा सा नदी है राइडक नंबर 2, ठीक है, 2 नंबर राइडक मैंने पहुँच गया यहाँ पर,
टू नंबर राइडक। राइडक कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। राइडक नंबर वन है यार, दो नहीं, वन है, तो मैंने गलत बताया। तो बहुत ही अच्छे, यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। मैं तो डर गया था कि उस तरफ बारिश हो रहा है, इस तरफ भी बारिश होगा तो मैं नहीं यहाँ नहीं पाऊँगा। जो प्लानिंग किया है ये सारा चौंपट हो जाएगा। चलो चौंपट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो होटल से पूरा प्लेग ही प्लेग यार, अच्छी बात। कोल्ड स्टोरेज हाउस जिसे हिमघर भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा है इस एरिया का, और इनका प्रॉपर्टी शायद और भी बढ़ गया। हर तरह का चीज़ यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है। आपको पता ही है हिमघर में क्या स्टोरेज किया जाता है। गेट नंबर टू है, यहीं से कभी कभार आलू पोटैटो टोमेटो जो भी हो रॉ मटेरियल मतलब सब्जी यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। पारोकाटा शायद यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है पारोकाटा स्कूल, मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो कृष्ण चूड़ा का फूल। ये अभी यार इधर गाड़ी आता है उधर देखिए कृष्ण चूड़ा का फूल कितने मजे से आ रहा है ना। यहाँ पे कितना अच्छा पेड़ लगाया हुआ है यार। वो आंटी ना इस तरफ से गाड़ी आ रहा है तो वो उस तरफ से, तो चलो यहाँ पे अभी देखो मैं आपको पुलिस चौकी कहाँ कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पुलिस चौकी नीमती में है, अभी दूसरा नंबर पुलिस चौकी यहाँ पे है देखो, ठीक है। यहाँ पे दिखता नहीं है बट यहाँ पे पुलिस चौकी है, ठीक है। यहाँ पे एक है और आगे शायद एक है। देखो बाइक के लिए जो है ना आपको सीधा वाला रोड पर नहीं या टेढ़ा वाला पर घुसना पड़ेगा। अगर उधर जाती है तो आपको इधर में रिटर्न करवा देगा। तो वेलकम टू क्या है पालाजा का नाम मैं आपको बता। कार के लिए है, ऑल व्हीकल के लिए, व्हीकल के लिए तो वेलकम टू गुआबरी। ये गुआबरी टोल पालाजा है, यहाँ से बाइक के लिए होता है। बट एक टोल पालाजा में क्रॉसिंग किया था, कहाँ के लिए बाइक में था किसके लिए था कुछ पता नहीं चलता था। मतलब सीधा निकलो काफ़ी खतरनाक चीज़ था। तो यहाँ पर ये देखो कब्जे करके बैठा हुआ है, पता नहीं ये लोग पलाजा वाला क्या कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो रखा है और ये लोग यहाँ पे बस। मेरा डेस्टिनेशन जो है यहीं तक है, थोड़ा सा आगे जाऊँगा और वहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है और गुवाहाटी जा रहा है सीधा भाई, नलबड़ी जा रहा है पूरा सीधा। तो मैं नलबड़ी और कहीं पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट यहीं तक था मेरा जर्नी, ठीक है। और अगर और भी एक्साइटिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं रहूँगा यही जा रहा है गुवाहाटी NH31 की ओर। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेफ़्ट, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट भी तो मना है, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे गाड़ी इधर घुसेगा या फिर किधर घुसेगा मुझे पता नहीं चल रहा है। ये लोग तो पूरा 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 बंद करके रखा हुआ है। सो बाय बाय दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा।